जी, तो कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा ज्ञान आपको बता दिया कि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाला, अन्न से ही जीवित और अन्न के अभाव में नष्ट हो जाने वाला घट के समान जो दृश्य है और अस्थि चर्म मांस रुधिर स्नायु मल से पूरित ये जो स्थूल देह है, ये मैं नहीं, आत्मा रिली। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है कि ये स्थूल देह मैं नहीं। तो संसारी तो यही अवधारणा परिपक्व है, इतना दृढ़ तादात्म्य एकात्म और बिल्कुल उसमें एक एकम एक हो गए है कि ये जो स्थूल देह है यही मैं। और ये तो अज्ञान हुआ, मूढ़ता हुई, और ये स्थूल देह आत्मा नहीं है, ये जो ज्ञान है ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तुरंत कितने भय से अभय कर देता है, कितने झंझट समस्या कष्ट आदि से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ये शरीर के जो धर्म हैं उनको अपना माना रहता है, शरीर को अपना मानता है, मैं मानता है, इसलिए शरीर के धर्मों को भी अपने में मानता है और सुखी दुखी होता रहता है निरंतर। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात बतलाया है कि जो ये मन प्राणमय कोश, क्या है ये, कर्मेंद्रियों सहित जो मुख्य प्राण है, ये क्या कहलाता है, प्राणमय कोश कहलाता है। और इसके द्वारा ही आपका जो ये स्थूल देह है ये समस्त क्रिया करता है। तो ये जो प्राणमय कोश है, वायु का विकार है, अंदर बाहर आने जाने वाला है और अपने इष्ट अनिष्ट को या अपने को या अन्य को कुछ भी कभी भी नहीं जानता है, तो जड़ है, विकारी है, इसीलिए ये भी आत्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, क्या है ये बहुत बड़ा, ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, मैं इसका भी साक्षी हूँ, क्योंकि ये तो वायु का विकार है, पंचभूतों का विकार है, कार्य है, दृश्य है, घट के समान, क्या है ये भी, दृश्य है ना, घटपट के समान दृश्य है, और मैं अलग ही इसका दृष्टा विराजमान हूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े ज्ञान है, जैसे किसी जौहरी को बहुत कीमती हीरे मिलते हैं ना, वो तिजोरी में क्या करता है, सहेज सहेज करके रखता है, अलग अलग है ना, वैसे ही इस बात को भी क्या करके रखिए, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में सहेज करके रखिए निरंतर। ये क्या है, शोभा बढ़ाती, क्या करते, जैसे हीरा जो है वो शोभा बढ़ाता है ना, तो वैसे ही ये क्या करती है, शोभा बढ़ाती है, शोभा किसकी, शोभा बढ़ा देती है, हैं, उस ज्ञान, ये इस ज्ञान से जो संपन्न है, ज्ञानी की जो शोभा है जगत में वो किसी की है, हैं,
कितना ही बड़ा कर्मकांडी हो, कितना ही बड़ा उपासक हो, विद्वान हो और कालज्ञ हो हैं, और अन्य तत्वों का ज्ञाता हो, भूगोल का ज्ञाता हो, लेकिन जो आत्मवेत्ता है ना, उसकी जो महिमा है, हैं, उसकी जो इस जगत में शोभा है, है अन्य किसी, वो सबसे बढ़ चढ़ करके सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे महान है, वो सबसे वृद्ध है, वो सबके द्वारा पूजित है, वो सबके द्वारा वंदित है, ऐसा जो ज्ञानी है तो शोभा पाता है। तो ज्ञान जिसके पास है, क्या ये स्थूल देह आत्मा नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये जो प्राणमय कोश है, ये भी आत्मा नहीं हो सकता, वायु का विकार होने से, निरंतर चंचल होने से अंदर बाहर गमनागमन बना रहता है, और दूसरा ये न अपने को जानता, न अन्य को जानता, न अपने अच्छे बुरे को ही जानता है, जड़ है। क्या है? जैसे ये स्थूल शरीर जड़ है, सब है, इसी प्रकार से ये जो प्राणमय कोश है, ये भी क्या है? जड़ ही है, ये भी सब ही है। तो इस और नित्य ही परतंत्र है, अपने जो कर्म है, वासना है, उसके अनुसार ही इसका क्या बना रहता है? गमनागमन बना रहता है, है? अपने कर्म संस्कार वासना के द्वारा तभी तक इसका संचरण रहता है। तो फिर देह का परित्याग करके अन्य देह शरीरों में प्रवेश कर जाता है। तो ये परतंत्र है। क्या हुआ? ये परतंत्र हुआ, तो ये भी आत्मा नहीं। अब तीसरा कोश बतलाया है, क्या? मनोमय कोश। क्या है? मन की जहाँ पर प्रधानता है, ऐसा जो कोश है, उसके भी अंतर आत्मा, वो भी आत्मा नहीं है। तो इस बात को समझा रहे हैं। 169वां श्लोक देख लीजिए। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्, कोशो ममाहमिति वास्तु विकल्पहेतुः। संज्ञानिभेदकलनाकलितो बलीयांश तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः। ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि च मनः च, च मनः च मनोमयः स्यात्, मनोमयः स्यात् कोशः, कोशः मम अहम्, मम अहम् इति वस्तु विकल्प हेतुः, इति वस्तु विकल्प हेतुः। संज्ञादि भेद कलना कलितः, संज्ञादि भेद कलना कलितः बलियान्, बलियान् तत्पूर्वकोशम्, तत्पूर्वकोशम् अभिपूर्य, अभिपूर्य विजृम्भते यः। देखो जी क्या कहते हैं, ज्ञानेन्द्रियाणि च मनः च मनोमयः कोशः स्यात्। क्या कहते हैं? पांच ज्ञानेन्द्रिया के सहित ये जो मन है, पांच ज्ञानेन्द्रियों के सहित ये जो मन है, इसको ही मनोमय कोश स्यात्।
क्या कहते हैं इसको, यही मनोमय कोश। समझ लीजिए स्वरूप, और साथ ही साथ अपने आत्मा की पृथकता को भी समझ लीजिए, और केवल समझ ही नहीं लीजिए, निरंतर चिंतन भी कीजिए, और निरंतर चिंतन करके यही निश्चय बुद्धि में दृढ़ कर लीजिए, और ये निश्चय जब बुद्धि में दृढ़ हो जाएगा तब ये अनुभूति हो जाएगी कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा व्यतिरिक्त विविक्त भिन्न आत्मा, ऐसा जो है वो अनुभव है। तो समझ आए, तो प्रथम क्या है, सम्यक रूप से समझ लीजिए अच्छी प्रकार से, उसके पश्चात निरंतर यही चिंतन कीजिए, मतलब स्वाध्याय का सत्संग का मतलब ही ये होता है कि जो श्रवण किया हुआ है उस अर्थ को दृढ़ किया जाए बुद्धि, विचार कर करके चिंतन कर करके बुद्धि में क्या किया जाए, दृढ़ किया जाए, निरंतर वही चिंतन, फिर वो निश्चय हो जाए, क्या हो जाता है, ये निश्चय हो जाता है, ये अन्न माया प्राण माया मनोमाया कोश आत्मा नहीं है, मैं नहीं, फिर आगे बढ़े। तो केवल सुनिए ही नहीं, केवल समझिए ही नहीं, विचार भी कीजिए, पुनः पुनः विचार कीजिए, निरंतर विचार कीजिए, हर क्षण विचार कीजिए, जिससे कि निश्चय हो जावे, क्या हो जाए, निश्चय हो जाए बुद्धि में स्पष्ट रूप से, निरंतर स्नान अन्न भोजन आदि करते हुए भी है, समस्त शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हुए भी ये निश्चय दृढ़ बना रहे कि ये मैं आत्मा नहीं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा इनसे भिन्न, ये कोश है और मैं इस कोश, इन कोशों के अंदर रखा हुआ हीरा हूँ, है ना, इन कोशों के अंदर रखा हुआ हीरा हूँ, जो हीरा है वो तो मैं हूँ। अब आदमी कोश ले आया, गया था जौहरी की दुकान पे, बढ़िया सा कवर देखा और उसको ले आया, तो कहना हीरा, क्या हीरा रहने दो, हीरा नहीं चाहिए, हैं अब उसका क्या करेगा, हैं हम सबको डब्बे से ही मतलब है ना, सबको मतलब किससे है, स्थूल बुद्धि वाले को कवर से मतलब है, डब्बे से मतलब है, और जो समझदार है वो देख कहता भाई इस डब्बे के अंदर क्या है, ये देखो ना, हैं यदि मिलावटी मिठाई है, दुर्गंध आ रही हो, सड़ी हुई हो, हैं और दूषित अन्न या दूषित घी आदि से बनी हुई हो, तो वो उसका क्या करना है, भली डब्बा कितना सुंदर हो उससे क्या, लेकिन पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये स्थूल बुद्धि वालों का लक्षण है। स्थूल बुद्धि वाले क्या देखते हैं, केवल कवर देखते हैं, हैं ऊपर का जो आवरण है उसको देखते हैं, उसके अंतर में क्या है उसको नहीं देख। तो इन पांच कोश कवर के अंदर में है क्या रखा हुआ है, हीरा। तो वो हीरा जो है कितना अनमोल है, बाप ये देख लो, है जो पांच कोश के अंदर रखा हुआ है, और उसका प्रकाश पांच कोश के अंदर है, इतने मोटे मोटे कवर है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश निरंतर क्या हो रहा है, निकल रहा है, फैला हुआ है, व्याप्त है, नहीं शरीर में भी, विषयों में भी, हैं इंद्रियों में भी, चित्त में भी, किसका प्रकाश है, हैं अब आप सोचो जिसका आवरण में इतना प्रकाश है, और निरावृत होने पर कितनी दिव्यता हो, कितना प्रकाश हो, हैं तो ये बात देखनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए कि आवरण के अंदर उतनी
ज्योति है, पर्दे के अंदर उतना प्रकाश है, वो पर्दा हट जाएगा तो फिर हाँ, इसीलिए तो आपकी जो मन बुद्धि है जो सबको देखती है, लेकिन जब उसको देखने चलती है तो चुंधिया जाती। मन बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, सबको जानते हैं, है? स्वर्ग नरक आदि, ब्रह्मलोक देवलोक हैं, शिव विष्णु आदि सबको जानते हैं। किससे जानते हैं? मन बुद्धि से जानते हैं। लेकिन ये बुद्धि जब अपनी आत्मा को, स्वरूप को देखना चाहती है तो क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। क्या हो जाती है? उसको देख ही नहीं पाती है, उसमें ही विलय हो जाती है और क्या होती है, अपने अस्तित्व को खो जाती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये बात समझ आया? तो इसलिए देखो, ये मनोमय कोश को देख लीजिए। बताने हम ये बता रहे थे कि सुनने के साथ साथ ये निरंतर विचार करना चाहिए, समझ कर और फिर निश्चय करना चाहिए। क्योंकि यदि निश्चय नहीं किया, श्रवण करते रहे, कहा था ना, श्रवणम कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम, सुना तो सबने है लेकिन जैसा मनन धुंधकारी ने किया ऐसा मनन किसी ने नहीं किया। बताया ना गोकर्ण ने, गोकर्ण कहता है, सब कहने लगे भाई कि धुंधकारी की मुक्ति होगी प्रेत योनि से, महापापी है, महाधूर्त, महाभ्रष्ट, अत्यंत पापिष्ट, उसकी तो मुक्ति हो गई, हम लोगों की क्यों नहीं हुई? तो कहा सुना तो सबने है लेकिन जितनी तन्मयता, व्याकुलता है, अंतर्मुखता, एकाग्रता से जितना मनन और जैसा मनन धुंधकारी ने किया है उतना वैसा मनन नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए आप लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि वो अत्यंत दुखमय स्थिति में था तो उसको तो निरंतर क्या थी, बाकी विषय वस्तु से कोई प्रयोजन था नहीं। कैसे मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, क्लेशों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी उसके अंदर दृढ़ जिज्ञासा थी, पिपासा थी। इस कारण उसने पूरी तन्मयता, एकाग्रता और पूरी शक्ति लगा करके, पूरा सामर्थ्य लगा करके क्या किया, जो सुनते थे उसका मनन किया और मनन करते करते जो आसक्ति सारी गलित हो गई, वासना सारी की सारी गलित हो गई और धुंधकारी जो है तत्व को समझ गया, परमात्म तत्व को, चेतन तत्व को समझ गया कि वह चेतन तत्व जो अंतर्यामी साक्षी है वही क्या है, वही आत्मा मैं हूँ और ये जो साक्षी है ये ब्रह्म रूप, ऐसा समझ करके मुक्ति को पा गया। ये किसकी महिमा है, सत्संग के विचार की महिमा, श्रवण की महिमा है, श्रवण की महिमा ये है कि मानसिक जो क्लेश अशांति है वो दूर हो जाते हैं। और मनन की महिमा क्या है, मनन की महिमा ये है कि इन क्लेश अशांति का जो मूल है अज्ञान वो भी दूर हो जाता है। ये किसकी महिमा है, मनन की महिमा है, अलग अलग महिमा है ना, जैसे रोटी की अलग महिमा है, सब्जी की अलग महिमा है, छाछ की अलग महिमा है, नहीं सबकी अलग अलग महिमा है। तो वैसे ही जो रोटी खाए तो खूब अन्न खाता है तो बुद्धि भी मोटी हो जाएगी, शरीर भी मोटा हो जाएगा, हैं, खूब अन्न खाएगा। और जो छाछ आदि का सेवन करे, तक्र, हैं, तक्र जो है कहते शक्र से दुर्लभम, देवता को भी दुर्, इंद्र को दुर्लभ है, हैं, वो खाए तो शरीर में शक्ति भी आए, पुष्टि भी होवे और मस्तिष्क भी क्या हो जाए, तीक्ष्ण हो, शीतल भी होवे और क्या धारण शक्ति भी हो जाए और क्या हो, तीक्ष्ण हो जाए,
हैं, इसलिए क्या ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, तो वैसे अलग अलग महिमा है, सबका अपना अपना महत्व है ना, अपना अपना महत्व है। वैसे ही सत्संग ज्ञान श्रवण का अपना महत्व है और इसके विचार का अपना महत्व। अब श्रवण खाली करें मनन ना करें तो आपको बतला दिया ना, अनुभूति की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, मानसिक शांति, जो मानसिक क्लेश है वो सब दूर हो जाएंगे, मानसिक शांति मिल जाएगी, ये बात पक्की है। और मानसिक जो शांति है उसको ही व्यक्ति क्या समझता है, उसको ही परमात्म प्राप्ति समझता है। जबकि ये शरीर और मानसिक शांति तो पशु भी ढूंढते रहते हैं, नहीं ढूंढते रहते हैं, हाँ पशु भी ढूंढते रहते हैं। एक महात्मा प्रवचन कर रहा था, वो तो कह रहा था कि जी पशुओं में तो मन होता ही नहीं है, फिर वो पानी की तरफ कैसे चले जाते हैं, घास की तरफ कैसे चले जाते हैं, छाया में कैसे चले जाते हैं, हैं और अपने बछड़े आदि को कैसे जान लेते हैं, हाँ तो कह रहे थे कि वो मन नहीं होता। ऐसे ऐसे भी है, तो ऐसे उपदेश भी तो सुनते हो आप लोग, नहीं सुनते हो, तो ऐसे उपदेश सुन सुन करके आपकी बुद्धि क्या हो गई, हाँ व्यामोह में पड़ जाती है उल्टी उल्टी बात सुन करके। हाँ, बात ज्ञान की विचार की है, ऐसे नहीं कोई कुछ भी सुन ले कि भाई पशु में मन नहीं होता, वो भी बहुत कुछ कह रहे थे। वो रामानंद जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं समझाऊंगा उनको, हैं फिर उनको समझा के हमारे पास आए कि वो तो समझते ही नहीं है। फिर हमने कहा क्या ज़रूरत है समझाने की, हैं कोई ज़रूरत, जिसका अपना जो निश्चय है रखें, क्या दिक्कत है। आपका अपना निश्चय सही है, ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति का निश्चय बदलवाने की क्या ज़रूरत है। अगला बदलना चाहे उसकी मर्जी, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो सीखेगा समझेगा। और जो अपना निश्चय बदलना नहीं चाहता है तो क्या आवश्यकता है बदलवाने की, आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, रुकना रखता है भाई, रखे रख, अच्छी बात है। हाँ, समझ आया, क्या समझ आया, निश्चय करो, ये बात समझाई है कि सुनो, सुन करके बारंबार निरंतर हर क्षण ये विचार छूटना नहीं चाहिए, हैं? जैसे लोभी का धन को लेके विचार छूटता नहीं है ना, तो वैसे ही ये विचार जो है छूटना नहीं चाहिए। स्नान दान व्रत यज्ञ हैं, भोजन आच्छादन आदि समस्त कर्म करते हुए ये विचार का आप परित्याग ना करो और ये विचार आपका परित्याग ना करो। करते ना प्रार्थना कि मामा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम मे अस्तु, प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्म जो है मेरा परित्याग ना करे, मैं ब्रह्म का परित्याग ना करूं, ऐसा जीव भाव में आकर के प्रार्थना करता है, हैं? तो मतलब क्या है, ब्रह्म परित्याग कर सकता है क्या, या दूसरा व्यक्ति कोई ब्रह्म का परित्याग नहीं कर सकता, हैं? ब्रह्म किसी का परित्याग नहीं कर सकता और ब्रह्म का कोई परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो व्यापक है और सबका आत्मा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको भूल जाना, उसकी विस्मृति ही परित्याग है। उसकी विस्मृति ही क्या है, हैं? जैसे माता पिता है और बैठे हुए हैं, खूब आराम से बैठे हुए कमरे में, और भोजन का समय हुआ और अपने आप तो भोजन आदि कर लिया खूब आराम से, और माता पिता को क्या हो गया, भूल गए। तो वो जो विस्मृति है कि माता पिता कहाँ रहते हैं, कि हमारे पास ही रहते हैं, हैं हम बड़े उनको अच्छे से कमरे में रखते हैं, बड़े सम्मान से रखते हैं, लेकिन उनको जो भूल जाना है यही क्या है, यही उनका परित्याग कर देना है। उनको भूलना ही क्या है, परित्याग हो जाता है ना, कोई व्यक्ति याद, कोई बात याद नहीं है तो वो त्यक्त ही है ना, परित्यक्त ही है। वैसे ही स्मृति होनी चाहिए,
तो ब्रह्म तो सबका आत्मा है, परमात्मा तो क्या है, सबका आत्मा है, सर्वरूप है और वही है परिपूर्ण ब्रह्म, और बस वही वह है। लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो ब्रह्म का परमात्मा का विस्मरण करके और जो छिलके है उन छिलकों को ही इकट्ठे करने में लगी रहती है, घास फूस को ही एकत्रित करने में लगी रहती है, तो परमात्मा को तो विस्मरण ही रहता है। तो यही परित्याग कर देना, उसकी विस्मृति ही क्या है, परित्याग है। तो ये तो कहते हैं ना कि विपत्ति क्या है, परमात्मा का विस्मरण ही विपत्ति है और परमात्मा का स्मरण ही संपत्ति है। क्या है, परमात्मा का स्मरण ही क्या है, संपत्ति है। और परमात्मा का विस्मरण हो जाना, विस्मृति, यही क्या है, बुलाने की जरूरत नहीं है, विपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति है। निरंतर क्या हो जाएगा, अहम मम जीव भाव से युक्त होगा, नाना वासना से युक्त होगा, नाना प्रकार के चिंतन कर्म करेगा, उन कर्मों के फल भोगेगा, सुखी दुखी होएगा, मरेगा रोएगा चिल्लाएगा पीट, सारे काम होंगे। केवल क्या है, केवल विस्मृति से, विस्मृति ही तो अज्ञान है, स्वरूप की विस्मृति, यही क्या है, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान का परिणाम क्या है, गिरते 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 ही चला जाता है। और जो उठने वाला है, निरंतर प्रयत्न करके उठता है, सद्गुणों का आश्रय लेकर के उठता है, वो उठते 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 क्या होता है, परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, टिक जाता है मन को। तो गिरते गिरते कहाँ गिर जाता है, गर्त में गिर जाता है, दुखों के गर्त में गिर जाता है। और पुरुषार्थ करके उठता है, सत शास्त्रों के स्वाध्याय का आलंबन लेकर, सदग्रंथ संतों के उपदेश उनके वचन के का आधार पकड़ करके जो उठता है, वो उठते उठते उनको पकड़ करके चलता जाता है तो पहुंच जाता है। ये है ना बात, गिरने की बात ये और उठने की बात ये। तो विस्मृति ही क्या है, विपत्ति है, और स्मृति ही परमात्म प्राप्त। देखो परमात्मा की स्वरूप की जो विस्मृति है वही क्या है, वही अज्ञान है, वही बंधन है, वही जीवत्व है। और जो स्मृति है स्वरूप की, जो स्मृति है वही क्या है, वही ज्ञान है, वही परमात्म प्राप्त, वही मुक्ति, वही क्या है, वही मुक्ति। तो अब स्मृति तो दिला रहे हैं, स्मृति दिला है? जो विस्मृति हो गई है तो स्मृति दिला रहे हैं कि ये है स्वरूप, ये है आत्मा, ये है परमात्मा। तो स्मृति करो जी, इसी के लिए तो कहा ना कि ईसा सदगुरु के दरबार में जाइए बार-बार, ये है वो भूली वस्तु लगाए थे, ये ऐसे है दाता, इसको लगाते हैं तो अपने होश में आ तो जो है। हाँ ये बात बताए जी, मनोमय कोश। हाँ तो ज्ञानेन्द्रियों के सहित ये जो मन है, मनोमय कोश स्यात्, यही क्या है, मनोमय कोश। समझ लेना, फिर वही बात है, समझाने के चक्कर में ही फिर आपको 15-20 मिनट और बात बताई है। ये खूब अच्छे से समझ करके विचार करके बुद्धि में स्थापित कर लीजिए, और कभी भी ये व्यामोह भ्रम अविवेक ना हो कि ये मनोमय कोश आत्मा है या नहीं, ऐसा संशय आपको नहीं होना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नहीं, ये मनोमय कोश आत्मा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बताना है ना, कभी औरों को बताते फिर किसको बताना है, अपने आप को बताना है, निरंतर बताना है,
हैं, और तब तक बताना है जब तक ये अंतर से स्वीकार ना हो जाए। तब तक क्या करो, बताते रहो हर समय। हर समय क्या करो, हर समय बताते रहो क्या क्या कि तू मनोमय कोश नहीं है, तू क्या है, तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू चेतन है। निरंतर बताते रहो किसको, मन को। किसको बताना है, मन को बताना। हाँ, उसी में सारा उलट पुलट उल्टा पुलटा ज्ञान हो गया। यही तो अविवेक है। अविवेक देखो तो मनोमय कोश हुआ, पांच ज्ञानेन्द्रिया है, पता है नहीं पता है। हाँ, कौन कौन सी है, स्पर्श रूप रस गंध, क्या ये, हाँ जी, स्रोत त्वचा और नेत्र, कुछ नाम से बोलते हैं, हाँ जी, रसना ग्राम, मूढ़े मूढ़े बूढ़े, अभी बूढ़े तो बूढ़े ही हैं, बुद्धि बूढ़ी हो गई है, घिस गई है, है? संसार में चिंता फिकर लेने देने है, इनमें रगड़ बगड़ करके बेचारी क्या हो गई, इतनी सी रह गई रही ना, घिस गई है, सारी की सारी घिस गई है। तो कई कई बार बताते हैं तो भी बता तो देते हो, पर आगे पीछे बताते हो, क्रम से नहीं बताते। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, ठीक है। तो पहली है क्या बतलाई, श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय है, फिर त्वगेंद्रिय त्वचा है, उसके पश्चात चक्षुरेंद्रिय, उसके पश्चात रसनेन्द्रिय जिह्वा, और फिर घ्राणेन्द्रिय नासिका। तो ये जो है ज्ञान होता है इनके द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, शब्द का ज्ञान किससे होता है, स्रोत इंद्रिय से, और स्पर्श का ज्ञान किससे होता है, त्वग इंद्रिय से, और रूप का ज्ञान किससे होता है, गोल है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, पिंडाकार है, कैसा है ज्ञान किससे होता है, चक्षु इंद्रिय से होता है, और खट्टा है मीठा है, ये ज्ञान किससे होता है, रसनेन्द्रिय से, और सुगंध है दुर्गंध है, ये गंध का ज्ञान किससे होता है, घ्राणेन्द्रिय नासिका से। तो ये पांच जो है, पांच ज्ञानेन्द्रिया, इनके द्वारा क्या होता है, ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं। और एक मन, मन क्या बतलाया था, जो संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है, संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है, इसका नाम ही मन है, वृत्ति मात्र है। क्या है, मन कोई पिंड नहीं है, कोई शरीर का पुर्जा नहीं है, कोई मस्तिष्क के कोने का कोई किसी प्रकार का कोई आकार हो, या मस्तिष्क के कोने में कोई स्क्रू पेंच हो, मन ऐसा कुछ भी नहीं है। मन वृत्ति मात्र है, तरंग मात्र है, घूर्णा मात्र है ना। तो जो आपको बता दिया है, जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है, इसका नाम मन, मन है। तो मन हो गया। तो ज्ञानेन्द्रियों के सहित संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति रूप जो मन है, यही क्या कहलाता है, मनोमय कोशः। क्या कहलाता है, मनोमय, मनोमय। मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, मम माने मेरा, अहम माने मैं, तो मैं मेरा आदि जो विकल्प है, मैं मेरा आदि जो विकल्प है, उस विकल्प का हेतु उसका क्या है, तो मैं मेरे और वस्तु विकल्प भी मान लेंगे, वस्तु जो विकल्प है, अलग अलग वस्तु है ना, हाँ ये अलग वस्तु, ये अलग वस्तु, ये अलग वस्तु, व्यवहार दृष्टि। वैसे तो साधक परमार्थ दृष्टि से देखें तो दो ही वस्तु हमने स्वीकार की थी, आत्मा और अनात्मा,
कितने वस्तु? दो। दो वस्तु। और यदि वो भी समझाने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से ही है, पारमार्थिक दृष्टि से देखे तो एक ही वस्तु है। वो क्या वस्तु है? आत्मवस्तु। केवल एक ही वस्तु है, वो है चेतन तत्व। यही वस्तु है, बाकी सब क्या है? अवस्तु, अवास्तविक है। सबके सब मिथ्या ही भास रहे है। वस्तुतः वास्तव में वास्तविक रूप से सभी वस्तु से बन गया। वस्तु से ही वास्तव और वस्तु से ही वास्तविक है। और वस्तु का मतलब है जिसका भाव होवे, जिसका क्या हो? भाव हो, विद्यमानता हो, अस्तित्व हो, उसको वस्तु कहते हैं। तो इसलिए वस्तु जो है सांसारिक व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो अनेक है, और साधकों को समझाने के लिए विचार दृष्टि से देखे तो दो ही है, आत्मा और अनात्मा, दृश्य और दृष्टा है, जड़ और चेतन, दो ही हुए ना, कार्य और कारण मान लीजिए, तो ये नित्य और अनित्य दो ही वस्तु है। तो उसके पश्चात जब परमार्थ दृष्टि रहेगी, दृष्टि बिल्कुल विमल हो गई। क्या हो गई? हाँ, विमल हो गई दृष्टि, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा जब बुद्धि दृष्टि आपकी विवेक दृष्टि क्या हो गई? निर्मल हो गई। तब कितनी वस्तु है? एक है। जैसे दो चांद दिखते हैं ना, जब दृष्टि दोष होता है तब क्या होते हैं? दो चांद, दो चार छः दस बीस चांद देख सकते हैं है? लेकिन जब दृष्टि निर्दोष हो, कोई दोष ना हो दृष्टि में, तो कितने चांद दिखेंगे? एक ही। तो वैसे ही जब आपकी बुद्धि विमल मति हो जाएगी, आपकी मति क्या हो जाएगी? विमल हो जाएगी, तो तब कितनी वस्तु दिखें? एक वस्तु ही है। एक ब्रह्म अखंडित है, क्या है? एक ही ब्रह्म है, अखंडित है, सबका साक्षी अंतर्यामी रूप से विराजमान। तो समझ आया? मैं मेरा रूप जो वस्तु विकल्प का हेतु है, ये मनोमय कोश संज्ञादि भेद कलना कलिता। और जो नाम जाति गुण कर्म धर्म स्वभाव आदि जो है, ये समस्त जो भेद कलना है, इन भेद कलनाओं को जो जानने वाला है, इन भेद कलनाओं को क्या है? जो कलित करता है, सारे भेद का हेतु यही है। कौन है भेद का हेतु? मन ही है ना। यदि आपका ये मन ना होवे तो सबके सब क्या? अभेद ही है। सबके सब क्या है? अभेद है। तो ये भेद किसके द्वारा कल्पित है? ये सारे भेद मनः कल्पित है। क्या है? मन के द्वारा कल्पित है। जैसे जब ये नहीं होता है, मन अविद्या में विलीन हो जाता है, तब सबके सब क्या? एक ही हो गए। जो पंखा था, घड़ा था, कुर्सी थी, मेज था, है गाड़ी था, ये है, वो है, तू है, मैं है, सबके सब भेद क्या हो गए? समाप्त हो गए? नहीं हो गए? सुषुप्ति में कोई भेद है? कोई। क्यों? क्योंकि ये भेद जो जानता है ना, भेद जो फाड़ डालता है, वो कहते हैं ना भेद डालता है, ये क्या करता है? जैसे दूध को फाड़ देता है, कौन फाड़ता है? नींबू, खटाई फाड़ता है। तो वैसे ही ब्रह्म में फाड़ लगा दिए, ब्रह्म में, व्यापक में क्या है? फाड़। फाड़ लगी नहीं है, फाड़ मन में, मन में, उसमें नहीं है, फाड़ कहाँ हुई है? उसमें नहीं। तो फाड़ कहाँ हो गई है? अब आदमी धरती को बांट लेता है, तो धरती के टुकड़े को बांट के, धरती नहीं बटी है, मन बटे हैं। धरती कहाँ बटी है? धरती तो जो की त्यों है,
नहीं है, वो दीवार खड़ी करके बस वो मन से ही तो मान लिया है ना, नहीं तो ये वाली धरती वो वाली धरती ऐसा कुछ नहीं है, या भेद है कुछ ना, भेद नहीं है, तो वो मन के भेद है, माने हुए भेद है, नहीं भेद कहाँ है, कोई भेद है नहीं, कोई भेद नहीं है। तो वैसे ही ये जो भेद डालने वाला है ना वो कौन है, वो मन है। तो जब ये मन अविद्या में विलीन हो जाता है तब भेद नाम है, समस्त भेद संज्ञा से शून्य हो जाता है, कोई भेद नहीं है, ना घड़ा है, है ना तकिया है, ना तख्त है, ना कपड़ा है, ये सब जो भेद है, इन भेदों को सारे विकल्पों को करने वाला और जानने वाला कौन है, ये मन ही है, मन ही है ना, है आत्मा तो साक्षी है, वो करने बनने वाला नहीं है, हाँ वो मन की सारी कारस्थानियों को जानने वाला है, उसका साक्षी उसका दृष्टा है। ये सारे मन के द्वारा आगे बतलाएंगे, मन को ही माया कह देंगे, मन को ही अविद्या कहेंगे, मन को ही अज्ञान कह देंगे, ये मन ही है जो है कारण। तो ये सारा भेद का सृष्टा बताया है ना, इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, मन ही तो कहते हैं ब्रह्मा जी, क्या है मन ही आपका, क्या है ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ कहा गया है, जैसे व्यष्टि में उसको क्या कहते हैं, तेजस कहते हैं, सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है उसको क्या कहते हैं, तेजस व्यष्टि में, और समष्टि में उसको क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ। माने ब्रह्मा जी तो स्थूल शरीर हो गया, ब्रह्मा जी का जो मन है उसको क्या कह देते हैं, हिरण्यगर्भ कह देते हैं, सूत्रात्मा कह देते हैं, समष्टि मन कह देते हैं, कार्य ब्रह्म कह देते हैं, है? स्थूल शरीर तो कुछ नहीं है, स्थूल शरीर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बना हुआ है, ये तो अंतिम कार्य समझ लो बेचारा, ये क्या है स्थूल शरीर, तो अंतिम कार्य है ना, सबसे अंत में जा करके पिंड बन गया स्थूल शरीर, है तो ये सारा जो भी है किसमें है, मन में ही है, सारे संस्कार, सारी वासना, सारी कल्पना, सारे जीवत्व किसमें है, मन में ही है। ये बात समझ ले, ठीक है आगे बतलाएंगे, यही बतलाएंगे, बलियान आ गया ना, आ गई बलियान, बड़ा बलशाली है, क्या है, हाँ लोग रोते रहते चिल्लाते रहते, क्या कहते हैं कि तो से अरज करूं सांवरिया मोह से मन नहीं जीतो जाए, गाते हैं ना कि मन मेरा है चंचल घोड़ा, सत्संग का माने नहीं कोड़ा, ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, है आगे क्या है, हैं बार बार ही नहीं नाए, हैं हम भी सुन लेते हैं ना, बूढ़े लोग सुनाते हैं, हैं ये सुनाते हैं, तो हमने भी सुना हुआ है कि मन निरुक्ता है, गीता जी ने भी कह दिया ना अर्जुन ने, क्या कहा है, मन काबू नहीं होता, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथी बलवद्दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्, क्या कहा, ये मन अत्यंत चंचल है, प्रमाथी बड़ा ही हठी है, जैसे बालक होता ना वो हठी, वैसा ही क्या है ये, बड़ा ही हठी है, बलवत हठी भी हो तो क्या बल, लेकिन बलवान है, बच्चा बलवान तो नहीं होता, बच्चा जो है चंचल तो होता है, साथ ही साथ क्या होता है, हठी भी होता है लेकिन बलवान नहीं होता, लेकिन ये क्या है, चंचल भी है उसके बाद क्या है, हठी भी है उसके बाद क्या है, बलवान भी है उसके बाद क्या, दृढ़म बहुत कठोर भी है, क्या है, हाँ चार चार विशेषण दे दिए अर्जुन ने, इतना परेशान है, इतना परेशान है अर्जुन, क्या क्या बोल दिया, चंचल, फिर हठी, फिर बलवान, और फिर दृढ़, वज्र के समान कठोर है, ऐसा ही मन है। तो कहता है, फिर आगे और विशेषण दे रहा है, तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्,
इसका जो निग्रह करना है ना, वश में करना, मैं वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर समझता। जैसे वायु जो स्वच्छंद विचरती है, जो कि क्या है, अग्नि जल पृथ्वी महाभूतों का क्या है, कारण है वायु। छोटा सा तूफान आता है पृथ्वी पर, तहलका मच जाता है। और ये जितने भी सारे हैं ना, ये सूर्य कहते हैं, सूर्य में तूफान उठ रहा है, बृहस्पति पर बहुत भयानक तूफान उठ रहा है, हैं? वायु जो है ना, आकाश तत्व के पश्चात व्यापक सूक्ष्म कौन है, बलशाली वायु है ना, आकाश के बाद में वायु तत्व जो है बहुत व्यापक है, बड़ा विशाल है वायु तत्व, बड़ी शक्ति है ये। पृथ्वी आदि कुछ नहीं है उसके सामने। पृथ्वी क्या है वायु तत्व के सामने? कितना बैठेगी? हाँ, 1000 बाईस से भी कम बैठेगी। तो पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस पर आप कूदते फानते रहते हो, और आपका शरीर कुछ भी नहीं, तिनका है, तिनका भी नहीं है। हाँ, तिनका भी नहीं है शरीर। तो ऐसा कहा है कि मन को रोकना तो ऐसा है, तो इसलिए कह दिया बलियान, बड़ा बलशाली। लेकिन जैसे बालक हठी हो ना, हठी हो तो क्या किया जाता है उसको, प्यार से समझाओ समझ जाओ, और जबरदस्ती करो तो तो मन को वैसे ही रोकना है। तो कैसे होता है ये मन, कैसे रुकता है? विवेक विचार प्यार से। और हट करते हैं ना तो वो रहती है, युद्ध चलता रहता है। क्या ध्यान करने बैठा था, अब क्या चल रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान मतलब शांति, शांति तो हो नहीं रही है, युद्ध हो रहा है। क्या युद्ध हो रहा है? क्या मन दौड़ता है, मैं उसको कहता हूँ एकाग्र हो, जबरदस्ती स्थिर करता हूँ, वो होता नहीं। अरे भाई कहाँ से हो जाएगा, उसमें जो चाबी भरी हुई है ना, चाबी निकालते, तेल जब डला हुआ है ना, हैं, तेल डला हुआ है, जिस तेल के कारण से गाड़ी दौड़ती जा रही है, तेल है, टंकी फोड़ दो इसकी, तेल निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो वैसे ही मन में जो वासना का तेल या चाबी भरी हुई है, ये निकल जाएगी तो मन तो अपने आप ही शांति है, अपने आप ही क्या, निरुद्ध ही है। मन को रोकना थोड़ा पड़ता है। चंचल किसके कारण से? वासनाओं से चंचल है ना, कामना तृष्णा इच्छा दुनिया भर की, चाह लोभ आशा, इनके द्वारा चंचल है। ये ना हो तो कहाँ चंचल है, मन में कहीं चंचलता है ही नहीं। लेकिन विचार, विचार से वश में होता है, इससे वश में होता है विचार। हाँ, और ये योगी लोग जो है प्राणायाम आदि के द्वारा और अभ्यास आदि के द्वारा क्या करते हैं, धारणा ध्यान के द्वारा मन को वश में कर तो लेते हैं, लेकिन जब तक समाधि में बैठे तब तक तो वश में, समाधि से उठे फिर वो ही वैसी की वैसी बात है। इसलिए महात्मा लोग किसको मुख्य मानते हैं, विचार। विचार से जब वश में हो जाएगा तो हर समय वश में होगा, स्वाभाविक रूप से वश में रहे। फिर क्या है, प्रयत्न रहित समाधि क्या है, प्रयत्न की अवस्था है। और ये क्या अवस्था है, विचार की, ज्ञान की, ये प्रयत्न रहित है, स्वाभाविक रूप से शांत है। जब चित्त में कोई वासना नहीं है, हैं? वासना क्यों नहीं है, क्योंकि सारा का सारा देख समझ विचार लिया है, सबका सब जो है भूसा है, छिलका, सबका सब आसार है। तो इसीलिए कोई आशा नहीं, कोई वासना नहीं, इसी कारण से मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता। चलो जी यहीं पर आओ, हम तो दूर दूर जा रहे वो हैं, कहते दूर दूर घूम रहे हैं, परिधि में, उस परिधि पे घूम रहे हैं, ना भी पे आओ, हैं, दूर दूर घूम रहे ना। तो संज्ञादि भेद कलना कलिता बलियान, ये जो संज्ञा नाम जाति आदि बता दिया ना, कहीं आदि बोल दिया ना, तो संज्ञा आदि बोल दिया, तो आदि से क्या क्या ले लेंगे, सब ले लेंगे, नाम जाति गुण कर्म धर्म स्वभाव आदि सब ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब किसके द्वारा,
कलना किया हुआ है, किसके द्वारा जाना जाता है? मन के द्वारा। बलियान बड़ा ही बलशाली है। तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यः, और यह माने जो तत्पूर्व कोशम, अपने से जो पूर्व कोश है, उन कोश है प्राणमय और अन्नमय। इससे पहले के कोश कौन कौन से हुए? दो हैं, प्राणमय और अन्नमय जो कोश है उनको अभिपूर्य विजृंभते, उनको व्याप्त करके स्थित, क्या करता है? उनको व्याप्त करके स्थित, व्याप्त करके विराजमान रहता है शरीर आदि में और प्राणों में। जो मम और मेरा, अहम मम का भाव है, इससे है मन से ही, तो है मन से ही मैं और मेरे का भाव। इस प्रकार से अपने ये जो पूर्व कोश है इनको व्याप्त करके प्रकट होता रहता है। क्या होता रहता है? प्रकट होता है। शरीर की किसी का शरीर चंचल होता है, हैं? कुछ करता ही रहता है, तो मन भी चंचल है, उससे क्या होता है? प्राण चंचल है जिसकी, उससे क्या मतलब पता लगता है कि मन भी चंचल है उसको, क्या है? मन भी उसका चंचल है। तो इसलिए शरीर की चंचलता से पता लग जाता है ना कि भाई बड़ा मन चंचल है, ये बैठने वाला नहीं है, शांत नहीं बैठ सकता, शांत नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से लोग ध्यान आदि करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो शरीर चंचल है, इसका मतलब मन भी चंचल है। तो वो जो है, जो विषय है, संगीत आदि हो रहा है, उस विषय के कारण से क्या हो रहा है? वो अपना शरीर हिल रहा है, मन भी इसका हिल ही रहा है, उसमें रस ले रहा है, शांत नहीं है। समझ आया? तो समझ लीजिए दोबारा फिर। ज्ञानेन्द्रियों के सहित ये जो मन है, यही मनोमय कोश है, और ये मैं मेरे आदि समस्त वस्तु विकल्प का हेतु है, और ये जो नाम रूप आदि ये जो भेद है, इन भेद की जो कलना, ये भेद है, इनको भी जो जानता है, बलियान जो बड़ा ही बलशाली है, और अपने से जो पूर्व कोश है उनको व्याप्त करके प्रकट होता रहता है। क्या होता है? व्याप्त करके प्रकट होता है। इंद्रियों की चंचलता से मन की चंचलता परिलक्षित होती है, प्राणों की चंचलता से मन की चंचलता परिलक्षित होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं तो उससे वायु का बहना परिलक्षित होता है, वायु बह रही है, हवा चल रही है, वही नहीं चल रही है, तो लगता है। तो वैसे ही मन शांत है या चंचल है, तो ये इंद्रियों की और प्राणों की और शरीर की चंचलता से पता लगता है कि शांत है या चंचल। इसलिए बता दिया ना ये, तो पूर्व कोशों को क्या करके रहता है? जो व्याप्त करके विराजमान रहता है। आगे वाला भी बता दिया जाए, आगे वाला भी सुन लो जल्दी से। पंचेन्द्रिय ही पंचभिरेव होत्रिभिः प्रचीयमानो विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो पंचेन्द्रिय ही पंचेन्द्रिय पंच
प्रपञ्चम् पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होत्रिभिः पञ्चजो इन्द्रिया है ज्ञानेन्द्रिया पञ्च ज्ञानेन्द्रियैः होत्रिभिः पांच जो ज्ञानेन्द्रिया रूप जो होता है यज्ञ होता है ना तो यज्ञ में क्या होते हैं जो होता होते हैं ना आहुति क्या करते हैं उसमें हवन करते तो पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप जो होता है उन होताओं के द्वारा क्या होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो ये पांच विषय है इनकी क्या होती है आहुति डाली जाती क्या की जाती है होत्रिभिः विषयाज्य धारया प्रचीयमाना विषय रूप जो घृत है आज्य विषय रूप जो घी है उस घी के द्वारा प्रचीयमाना क्या होती है बढ़ता है ना घी से क्या होती है अग्नि बुझती है या बढ़ती है बढ़ती ये बताओ बढ़ती बढ़ती है घी के द्वारा प्रभु जी हुई अग्नि हो तो या हल्की अग्नि हो ना अरे ज़्यादा घी डाल दिया भाई वो भी गड़बड़ हो जाते हैं नहीं बुझ भी जाती है ना बुझ भी जाती है अग्नि थोड़ी हो और घी का कनस्तर हो तो क्या हो जाएगा और अग्नि अच्छी प्रदीप्त हो अच्छी जली हुई हो और उसमें घी डाला जाए तो प्रचंड होती है तो घी जो है वो बुझाता भी है और घी जो है वो बढ़ाता भी है ऐसा ही है ऐसी पेट की अग्नि है कि पेट की अग्नि को घी जो है वो क्या करता है बढ़ाता भी है और क्या करता है सत्यानाश भी करता है ना जिसकी अग्नि मंद है उसको तो घी क्या है विष के बराबर हो जाता है और जिसकी अग्नि तीव्र है उसके लिए अग्नि क्या है वो घी क्या है अमृत के समान घी से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता जिस लेकिन अग्नि तीव्र हो तो अग्नि मंद हो और घी खाए तो उसके लिए क्या है बूढ़ों के लिए तो जहर है बूढ़ों के लिए क्या है घी जहर है और युवाओं के लिए क्या है युवाओं के लिए ठीक है अच्छा तो विषय रूपी जो घृत की आहुतियाँ है उन आहुतियों के द्वारा प्रचीयमाना क्या होता है बढ़ाया जाता है ये मन रूपी अग्नि रूपक दे रहे हैं ये जो मन रूपी अग्नि है पांच ज्ञानेन्द्रिया रूपी होताओं के द्वारा जो विषय रूपी घी की आहुति देने से ये मन क्या होता है मन रूपी अग्नि चंड जितने विषय इसको देते रहेंगे उतना ही क्या होता जाएगा कि बस में नहीं आ रहा जी है बस में कहाँ से आएगा खिला पिला के मोटा कर दिया क्या कर दिया है खिला पिला करके तकड़ा हो गया है अब ये मन कहाँ से काबू में आने वाला है तो इसको काबू में करना हो तो क्या कर दो उसको भोजन देना हाँ उसको व्रत करा दो उसको भोजन देना बंद कर दो जब उसको विषय नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेचारा ये मन हरूपी हाथी या अग्नि धीरे धीरे क्या हो जाएगा कमज़ोर होता जाएगा फिर पकड़ लेना बस में कर लेना लेकिन यदि इसको खिलाते पिलाते रहोगे तो फिर तो ये बस में नहीं आने वाला देखो आगे कहते बहुवासना इंधन ही जाज्वल्यमाना अनेकों प्रकार की जो वासना है
उन वासना रूपी जो ईंधन है वो ईंधन के द्वारा क्या होता है, जाज्वल्यमान निरंतर प्रज्वलित तो होता रहता, क्या होता है, यदि ईंधन ना हो तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा ना, है ईंधन है और ईंधन के ऊपर क्या डाला जा रहा है, घी है, क्या डाला जा रहा है, तो अनेकों प्रकार की वासना इच्छा है और उसमें क्या है, उस इच्छा की पूर्ति रूपी घी, जो इच्छा हुई है वासना, उस वासना में विषय की सेवन या पूर्ति रूपी आहुति डालोगे तो क्या होगा, अग्नि बुझेगी, प्रचंड होगी, प्रचंड होगी। ये तो कहा है यजाति महाराज ने कितने हजारों वर्षों तक उपभोग किया सारा, अपने अपने संतान की पुत्र की आयु लेकर, छोटे पुत्र शायद पुरु नाम था, उसकी भी उम्र ले ली, भाई तू मेरे को दे दे अपनी जवानी, ठीक है ना, तेरे नाना जी ने सारा गड़बड़ कर दिया है, नाना जी शुक्राचार्य ने साफ दे दिया था ये जाति को तो बूढ़ा हो जा है, तो फिर क्या हुआ, उससे उसने कहा कि भाई तू अपनी जवानी मेरे को दे दे, अपनी उसकी जवानी ली, क्या किया, उसकी युवावस्था लेके हजारों वर्षों तक राजा ययाति सम्राट चक्रवर्ती भूमंडल के निष्कंटक राजा है, सारे विषयों का सेवन किया और अंत में कहने लगे क्या, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एव विवर्धते। बड़े दिन में कल आई, जब ठोकर लग जाए ना कल तब आती है, ठोकर जब लग जाए तब क्या आती है, विवेक जागृत होते, कभी कभी सौभाग्य समझना चाहिए जब अकल आ जाए, जब भी विवेक का जागरण हो क्या समझे, सौभाग्य। तो एक दिन ठोकर लगी अकल आई, क्या कहने लगे, न जातु कामः कामानाम भोगे न साम्यति, ये जो कामनाएं है ना ये उपभोगे ना साम्यति, जितना इनको सेवन करो जितना भोगों को भोगो उनसे वो नष्ट होने वाले नहीं है, और क्या होते हैं, और बढ़ेंगे। व्यक्ति भोग का सेवन इसलिए करता है कि जिससे क्या हो जाए, मेरे को तृप्ति हो जाए, क्या हो जाए, तृप्ति हो जाए। लेकिन जितना ज़्यादा सेवन करता है उतना ही तृप्ति होती है या अतृप्ति होती है, अतृप्ति होती है। सौ हो जाए तो हजार चाहिए, हजार हो जाए तो लाख चाहिए, लाख हो जाए तो करोड़ चाहिए, करोड़ हो जाए तो अरब चाहिए, अरब हो जाए तो खरब चाहिए, जाना पथमी डाले रहता है। ये तो यानी शांति से बैठ करके खाए पिए आराम से राम राम करें, लेकिन जान क्या है, दरिद्रता ही भोगनी है। व्यापारी का काम होता है ना, 100 रुपये जेब में होंगे काम 200 रुपये का जोड़ेंगे, 200 रुपये जेब में होंगे 400 रुपये का काम जोड़ेंगे, 400 रुपये जेब में होंगे 1000 रुपये का काम जोड़ेंगे, जीवन भर दरिद्रता क्या भोगनी है, है महाराज बहुत है, कुछ भी नहीं है, ये हो गया। अरे 100 रुपये जेब में है ना, 50 रुपये का काम जोड़ो और 50 रुपये के 50 रुपये सत्यानाश हो जाए, ख़त्म हो जाए तो भी कोई फर्क ना पड़ना चाहिए, ये होता है व्यापार करने का तरीका। तो सत्यानाश 50 के 50 डूब जाए, अभी डूब जाए क्या फर्क पड़ता, 50 तो है ना अपने पास, हैं जैसे आए थे वैसे डूब गए, क्या हो गया, तो चलता रहता है व्यापार, है ना। व्यापार का तो ये है कि कभी कम कभी ज़्यादा, अब जान आफत में डाले रखेगा लोगों को। मैं मेरे से कहते हैं लोगों ने, मैं कहता हूँ मत जाना उस रास्ते पर, है कंगाली भोगनी है क्या, तुम जोड़ो वोड़ोगे बाद वाले क्या करेंगे, अब तो जोड़ जोड़ के मर जाएगा, क्या मतलब है फालतू की बात। अच्छा जी याति वाली सुना देते, समय तो हो गया ज़्यादा, तो क्या मतलब दृष्टांत दिया उन्होंने, क्या दिया है, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, जैसे अग्नि है और अग्नि में क्या डालो, घी की आहुति डालो तो उससे वो बुझती है या प्रचंड होती है, प्रचंड होती है ना, तो वैसे ही चित्त में इच्छा हुई और इच्छा की पूर्ति कर ली आपने तो उससे इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, और क्या होगी, और आ जाएगी,
जैसे ही इच्छा अंकुरित होवे वैसे ही विवेक कर लो, इसका कोई लाभ नहीं है, मेरे को ये पूर्ति नहीं करनी है, विवेक कर लो तो तुरंत क्या होगी, आगे इच्छा नहीं होगी, आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, ऐसे बढ़ती है, इच्छा होती रहती है, आप उनको पूरी करते रहते हो और वो क्या होती जाती है, वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो भाई देखो, आज कर ले संतोष, 10 साल बाद कर ले, 1000 साल बाद कर ले, जब कर ले करना तो पड़ेगा यही, करना तो पड़ेगा यही, बस तो यही है, आज कर कल कर, तेरी मर्जी, करना यही पड़ेगा, आना इसी रास्ते, और कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी रास्ते हैं वो संयोग और वियोग वाले, वो मिलने और बिछुड़ने वाले, वो उत्पन्न होने और मरने वाले हैं, वो नष्ट हो जाने वाले, जितने भी रास्ते, उन रास्तों पे चलने का कोई लाभ है क्या, उन रास्तों पे चलने का कोई लाभ तो है नहीं, यदि विचार करे तो, है ना, यात्रा तो अकेली है, यात्रा क्या है, अकेला ही आया है और बिल्कुल अकेला ही, और अभी भी साथ में सब लगते हैं, साथ में हैं, अकेला ही चल रहा है, अपने कर्म अकेला ही भोग रहा है ना, अपने सुख दुख, अपने पाप पुण्य, अपने रोग सब क्या है, अकेला भोग रहा है, कहते बेटा है मेरा, बहू है मेरी, है तेरे अपने, उनके अपने, सब अपने अपने कर्म भोग है ना, पति पति के भोगता है, पत्नी पत्नी के भोगता है, पर आदमी सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ है, तेरे साथ क्या है, कोई है, सब कुछ तेरा अपना है, उसका अपना है, अलग अलग है, ठीक है ना, यात्रा के लिए है, है, पर दूसरों को पकड़ता है, दूसरे छोड़ते छोड़ के भाग जाते हैं, फिर उसके लिए रोता है, कभी माँ के लिए रोता है, कभी बाप के लिए रोता है, कभी चाचा के लिए रोता है, कभी ताई के लिए रोता है, हैं, कभी मामा के लिए रोएगा, रोना ही रोना, क्यों पकड़े ऐसे ऐसे पकड़े हैं जो मरेंगे ही मरेंगे, रोता रहे क्या कर, अविनाशी को पकड़ ले कि रोना ही ना पड़े, हैं, क्यों रोए हम, हैं, हम ना रोवे रोवे संसार, चलो ओम पूर्णमदः।